आए हो शिव बबिता रे बेटा जल्दी जा तू ये सेवक के उपकार
करके बाबू मुझसे नहीं किया था आज कि हे भद्री महाराज कि मैंने उनकी आवाज सुन कर गया जगदम्बा की और मुझे हो रहा है कि मैं आकाश मार्ग से मैं अभिलम और वह कुनौली नगर की जात किसान की देखने के लिए अवश्य आसान करके हम दोनों कवर चले परंतु ही भद्र महाराज अरे बेगर अन्न पानी बेगर कुनौली नगर में 700 जात किसान को घर कटवा रहे हैं। बाल बच्चा भद्र महाराज अन्न के लिए सब ये चूल्हा का मिट्टी खा खा करके सबको कहा पकड़ लिया है। आज देवी जगदम्बा प्रकट मुझे सपना में कुछ देखने के लिए दिया है। भद्री महाराज वही प्रश्न करते हैं, कहते दादा छुटवा तो जो प्रश्न आप जो दृश्य को आप देखे हैं दादा, मैं भी वही दृश्य को मैंने देखा हूं कि हे दादा वह दृश्य को देखने की बात कि हे दादा मुझे आदेश होता है मुझे ऐसा होता है कि वह दुश्मन को जा करके मैं उसकी खानदान को मैं खत्म कर दूं। परंतु हे बनजान दादा जब तक आपकी अनुमति नहीं होगा मैं कदापि नहीं कदम आगे बढ़ा सकता हूं। दादा कि हे दादा शब्द आप जितने आपने प्रश्न किया है मैं भी उतने दृश्य को मैं भी देखा हूं, तो आप अनुशासन कीजिए दादा। क्या विचार करने का है? हम दोनों अपन विचार कर लेते हैं। कहते सुनो भद्री महाराज चल हम दोनों पवन साधु महात्मा के रूप धारण कर लेते हैं। साधु महात्मा के रूप धारण से कुनौली नगर को प्रस्थान हम दोनों पवन करेंगे। भद्री महाराज अपनी शक्ति से एक सोजा भद्री महाराज करिया कमल के बक्षी बना लियो माथा में जटा निर्माण कर लियो आर्य माथा में तिलक धार कर लियो। हो भद्री महाराज यज्ञ यज्ञ में विभूति निर्माण कर लियो गिरुआ रंगल वस्त्र निर्माण कर लियो से हम दोनों पवन को जाना है। जो भद्री महाराज गल की है हो दादा
पर लगाइए और यह चोला को बदल कर लीजिए साधु की को बदल करके और साधु का यह भेष हम दोनों को धर लेते हैं। आज यह परमात्मा यह राम मंत्र जपन करते हैं, पांच बार कहते हैं महाराज। अब हम दोनों पवन अब रास्ता को हम दोनों पवन सिहार कर लेते हैं। चलो अब विलंब नहीं करो, चलो इसी रास्ते से और कुनौली नगर की हम दोनों पवन एड करने के लिए। ऐसे रोता भगवान साधु चल पड़ेंगे। कहते हैं ठीक है दादा, तो चलिए भजन गाइए। आइए परमात्मा भजन गा रहे हैं।
बाबा हमरा बाल बच्चा का हमरा पूरा खानदान का
बक्सी झुका के मार देते। हे बाबा गोर लागे छिया बाबा, हे लौट के चल जा बाबा, नहीं जाओ ऋषि देव के भक्ति माला। अपने दोनों महात्मा और विधाय अवस्था में चलिए बाबा, ए बेगर ओन पाइन के मार पीट के बाबा सब ऋषि देव के फटवाई छे जोरवर रहा। अहो अगर चल के लिए तो बाबा अपना का टाइम नमन के ला देती खर काटे ले बाबा, अपने लौट के चल जाइयो। मैं जाहे कियो एक पुनोली नगर में पार हो बलन बसाई छती कहते नहीं। तुम्हारे प्रश्न को एक प्रश्न को नहीं हमें बोलना है, नहीं बोलेंगे। इसलिए बाबू देखिए परमात्मा की क्या लीला है। यही इनकी नाम है अंथोनिया पथ की संसार की या पद पद की बातें जानने वाले ये परमात्मा। और यह इन्होंने अंधा करके यह संसार पूछते हैं कि यह रास्ता किस होकर के जाएंगे। इनका नाम अंधानिया पथ इनकी कहते हैं, इसलिए कि बाबा गाय के भोले कहिए हे हूँ बाबा, हे यह हे गली देखिए अमर 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 बाबा, हे गली आए ना काय देखाय 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 देखा हे देखिए। हाँ हे यहाँ पस्ती ऋषि देव के बाबा छलिए, लेकिन बाबा हमरा बड़ा दया हुई है बाबा, हम हमर बात रखियो बाबा, अपने लौट के चल जाइयो। गुरु बाबा कहल की रहे रे गाय के धोरे इनकी साथ गलत या भावना से और इनकी अपराध अगर संतों का करेंगे तो संत या बर्दाश्त करते हैं, किंतु बाबू अगर यह बर्दाश्त से बाहर अगर होने की बात किंतु उन्हें जला भी सकते हैं यह संत, तो ठीक है बाबू तुम जाओ और मैं दोनों महात्मा इस बस्ती पर मैं इन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। श्रोता भगवान यहाँ समय चलिए ठीक संध्या के समय, संध्या समय पिछला बेर मैं मालिक हो कुनौली नगर बस्ती पर इन गलखिन रहे। और दोनों महात्मा गलखिन कि बाबू गाय के धोले जा बाबू, रास्ता पकड़ के आए कुरोली नगर के बस्ती पर जा रहा हूँ। आप है भगवान के दरबार में महादाने आदित्य कुमार ग्राम बथनाहट वासी, आप है आदित्य कुमार ग्राम बथनाहट वासी, उन्होंने श्रद्धा के साथ भगवान के दरबार में ग्यारह बताते हैं। उन्होंने आदित्य कुमार जी को यह बाबा का फिर के माध्यम से उनके समस्त परिवार की सुख शांति को मंगल कामना करता हूँ। जय जय एक तभी त्रिपाल हमारे मेला समिति मालिक मंगवा दीजिए पंडाल में अभिलम्ब। हाँ ठीक है।